मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मनोज चोटिया फ्रॉम रघुनाथ विद्यालय रतनगढ़। वेलकम टू अवर न्यू क्लास। वी आर स्टडिंग अवर फर्स्ट चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड। सो टूडेज अवर टॉपिक इज टैक्सोनॉमिक एड्स, वर्गीकी सहायता साधन। टैक्सोनॉमिक एड्स क्या है? सबसे पहले अपने को ये पता होना चाहिए व्हाट इज टैक्सोनॉमी। सो वी डिस्कस इन आवर अर्लियर वीडियो दैट आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन कंसिस्टली कॉल्ड टैक्सोनॉमी और सिस्टमेटिक्स। इन टैक्सोनॉमी वी कैन प्लेस वेरियस ऑर्गेनिज्म इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइलम और डिवीजन इन क्लास, ऑर्डर, किंगडम, जीनस, स्पीसीज एक्सेट्रा विद द हेल्प ऑफ देयर आइडेंटिफिकेशन, देयर नोमेनक्लेचर एंड देयर क्लासिफिकेशन। देखिए, कोई भी जो ऑर्गेनिज्म होता है, सबसे पहले हमें क्या करनी पड़ती है? उसकी पहचान करनी पड़ती है। पहचान करने के बाद में उसका नामकरण, और नामकरण करने के बाद में वर्गीकरण। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? विभिन्न प्रकार के जीवों के नमूने लेकर उन्हें एकत्रित करके प्रयोगशाला में या अन्य किसी भी प्रकार से उनका वर्गीकरण किया जा सकता है। सो द टैक्सोनॉमिक स्टडी ऑफ वेरियस स्पीसीज ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड अदर ऑर्गेनिज्म आर यूजफुल इन एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट इंडस्ट्री, इन जनरल नॉलेज और आवर बायो रिसोर्सेज। सो ऑन द बेसिस ऑफ दीज करेक्टर्स वी कैन आइडेंटिफाई दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म और वी कैन क्लासीफाई और सम पर्टिकुलर वैज्ञानिक गिव देम ए पर्टिकुलर नेम ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज दे कैन क्लासीफाई। द स्टडी वर्ल्ड रिक्वायर करेक्ट क्लासिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म रिक्वायर इंटेंसिव लेबोरेटरी एंड फील्ड स्टडीज। द कलेक्शन ऑफ एक्चुअल स्पेसिमेंट्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स स्पीसीज इज एसेंशियल एंड इट इज द सम सोर्स ऑफ टैक्सोनॉमिक स्टडीज। दीज आर ऑल्सो फंडामेंटल टू स्टडी एंड एसेंशियल फॉर ट्रेनिंग इन सिस्टमेटिक्स। इट इज यूज फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म एंड द इंफॉर्मेशन गेदर्ड ऑल्सो स्टोर्ड अलॉन्ग विद द स्पेसीमेन्स। इन सम केसेस द स्पेसीमेन प्रिजर्व्ड फॉर फ्यूचर स्टडी। बायोलॉजिकल स्टडीज और वी कैन से बायोलॉजिस्ट हैव एस्टेब्लिश सर्टेन प्रोसीजर एंड टेक्निक्स टू स्टोर एंड प्रिजर्व इंफॉर्मेशन एज वेल एज द स्पेसीमेन्स। सम ऑफ दीज आर एक्सप्लेन टू हेल्प अंडरस्टैंडिंग दीज यूजेज और दीज टेक्निक्स। दीज आर द टेक्निक्स विच कैन हेल्प टू अ पर्टिकुलरली ऑर्गेनिज्म इज प्लेस्ड इन अ टैक्सोनॉमिक सिस्टम और अ हायरार्की सिस्टम इन विच आई टेल्स यू अर्लियर दैट द हाइएस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन इज किंगडम। देन आफ्टर फॉर द प्लांट वी यूज द वर्ड डिविजन और फॉर द एनिमल्स वी यूज द वर्ड फाइलम। देन आफ्टर क्लास, देन ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज। तो स्पीसीज क्या है, ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो आपस में रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। दे आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर टू रिप्रोड्यूस ए न्यू ऑफस्प्रिंग दैट आर कॉल्ड स्पीसीज एंड दिस वर्ड इज गिवन बाय जोन रे। एंड द कंपैरिजन ऑफ स्पीसीज इज कॉल्ड जीनस, कंपैरिजन ऑफ जीनस इज कॉल्ड फैमिली, कंपैरिजन ऑफ फैमिली इज कॉल्ड ऑर्डर, कंपैरिजन ऑफ ऑर्डर इज कॉल्ड क्लास, कंपैरिजन ऑफ क्लास इज कॉल्ड फाइलम एंड कंपैरिजन और कंपोजिशन ऑफ फाइलम इज कॉल्ड किंगडम। सो देर आर सो मेनी टेक्निक्स टू आइडेंटिफाई और क्लासीफाई और गिविंग नेमिंग टू ए पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म। किसी भी जीव को नाम देने की बहुत सारी तकनीकें हैं। जीवों की पहचान के लिए आधुनिक उपकरणों की आवश्यकता होती है और विभिन्न प्रकार के स्रोत जो हैं वो क्या करते हैं, उनकी आइडेंटिफिकेशन और क्लासिफिकेशन में हेल्प करते हैं। उनमें से जो अपने सिलेबस में दिए हुए पांच
एड्स हैं जिनमें हर्बेरियम है, बोटनिकल गार्डन है, म्यूजियम है, जूलॉजिकल पार्क है और की यानी कुंजी। तो इनकी स्टडी हम यहाँ करने वाले हैं। हर्बेरियम क्या है? हर्बेरियम इज अ स्टोर हाउस ऑफ अ कलेक्टेड प्लांट स्पीसीज दैट आर ड्राइड प्रेस्ड एंड प्रिजर्व्ड ऑन सीड्स फ्यूचर। दीज सीड्स आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू सम टेक्निक्स और वी कैन से अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सिटी एक्सपेक्टेड द सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। देर आर सो मेनी सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जस्ट लाइक हचिंसन्स, एंगलर एंड प्रिंटल। सो वॉट इज बेसिकली हर्बेरियम, वो आपको मैं बता देता हूं इजी लैंग्वेज में। हर्बेरियम क्या है कि एक जो अपनी ड्रॉइंग सीट आती है, ठीक है, जिसमें अपन बायोलॉजी की फाइल भी परफॉर्म करेंगे, तो उस हर्बेरियम सीट पे पहले क्या करते हैं, हम बहुत सारे प्लांट स्पीसीज को कलेक्ट करते हैं और कलेक्ट करने के बाद में उनको अपन नॉर्मल जो अपने न्यूज़पेपर है उन न्यूज़पेपर में रख के और उसके ऊपर खूब सारा वजन डाल के उनको दबा देते हैं, सुखा लेते हैं, ड्राई कर लेते हैं, ठीक है। ड्राई करने के बाद में और जो ये हर्बेरियम सीट है, ये क्या है, हर्बेरियम सीट पर्टिकुलरली ड्रॉइंग सीट के जैसी होती है लेकिन ये थोड़ी सी डिफरेंट है क्योंकि इनको बैक्टीरिया वगैरह या जो डीकम्पोजर्स है वो डीकम्पोज नहीं कर पाते और उसके बाद में जो भी प्लांट स्पीसीज अपन लेते हैं उस प्लांट स्पीसीज को भी क्या करते हैं, अपन केमिकली ट्रीटमेंट करते हैं ताकि उनको भी बैक्टीरिया वगैरह जो है या डीकम्पोजर्स जो है वो डीकम्पोज नहीं कर दे। और उसके बाद में इस हर्बेरियम सीट पर इसको लगा के और सेलो टेप की सहायता से इसको चिपका देते हैं, ठीक है। अब ये जो सीट है इसके ऊपर यहां पर कुछ इंफॉर्मेशन और नोट डाउन करनी पड़ती है, क्या क्या है। सबसे पहले नेम ऑफ कलेक्टर, ये किसने कलेक्ट किया है उसका नाम, ठीक है। प्लेस ऑफ कलेक्शन, कहां से कलेक्ट किया है, कौन से प्लेस से कलेक्ट किया है। थर्ड लोकल नेम ऑफ प्लांट, फिर साइंटिफिक नेम ऑफ प्लांट और फिर लास्ट में फैमिली, क्योंकि जब इन सीटों को अरेंज किया जाएगा किसी भी हर्बेरियम में तो अकॉर्डिंग टू उनकी फैमिली इनको अरेंज किया जाएगा। कहने का मतलब सबसे पहले क्या करते हैं, प्लांट को डिग करके उखाड़ के और उसको पुराने पेपर वगैरह में दो तीन दिन तक रख के ताकि वो अच्छे से प्रेस हो जाए और ड्राई हो जाए, और ड्राई होने के बाद ड्रायर को भी काम में ले सकते हैं, लेकिन उससे क्या होता है कि प्लांट पार्ट जो है वो थोड़े बहुत खराब हो जाते हैं या नष्ट हो जाते हैं, टूट जाते हैं, और उसके बाद में प्रेस करके अच्छे से उसको सुखा के और हर्बेरियम सीट पर केमिकली ट्रीटमेंट करके और हर्बेरियम सीट के ऊपर उसको लगा देते हैं। आप अपनी पुस्तक में देखेंगे हर्बेरियम सीट को अरेंज करने के लिए विभिन्न प्रकार की अलमीराज वगैरह होती है या जो हर्बेरियम रूम होता है वो भी केमिकली ट्रीटेड किया जाता है, बार बार उसका रिपीटेशन होता है ताकि फंगस वगैरह जो है और डीकम्पोजर जो है उन हर्बेरिया को नष्ट न कर दे। उसके बाद में सेकंड आता है बोटनिकल गार्डन। बोटनिकल गार्डन क्या होता है, कुछ प्लेस होते हैं जहां पे विभिन्न और वेरियस वेराइटी के प्लांट को क्या होता है, ग्रो किया जाता है, यानी प्लांट्स को उनकी नेचुरल कंडीशन में जब स्टडी की जाती है तो उसको बोटनिकल गार्डन कहते हैं। इसी प्रकार आप लोगों को ध्यान होगा, आप लोगों ने कुछ जू वगैरह देखे होंगे तो जू के अंदर ये प्रयास किया जाता है, कोशिश की जाती है कि जो एनिमल्स होते हैं उन एनिमल्स को उनके नेचर, उनका जो नेचुरल एनवायरमेंट है उस टाइप की उनको कंडीशन प्रोवाइड करवाने की, उस प्रकार का उनको एनवायरमेंट देने का प्रयास करके जब एक ही प्लेस पे खूब सारे एनिमल्स को रखा जाता है ताकि हम उनको देख के उनको आइडेंटिफाई कर ले, उनको उनका नाम अपन पढ़ ले, उनकी फैमिली पढ़ ले, तो क्या होता है कि देखने से जो लाइव और एक पिक्चर देखते हैं और एक लाइव देखते हैं अपन किसी भी एनिमल्स को तो हमें स्टडी में बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है, उसके बारे में जो भी अपन पढ़ाई करते हैं
तो अगर लाइव उसको देख लेंगे तो वो एकदम से अपने को समझ में आ जाएगा। तो इसी प्रकार से जो बोटनिकल गार्डन है उसमें तो क्या करते हैं, बोटनिकल गार्डन में तो प्लांट्स की लाइवली स्टडी करते हैं, जो स्पेशल प्लेस होते हैं वहां पे प्लांट्स को ग्रो किया जाता है और उनको देख कर हम प्लांट के बारे में आइडेंटिफिकेशन कर लेते हैं, और जूलॉजिकल पार्क जो है उसमें एनिमल्स को। तो बोटनिकल गार्डन के लिए अपन कह सकते हैं, दीज स्पेशलाइज्ड गार्डन हैव कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट्स फॉर रेफरेंस टू प्लांट स्पीसीज इन गार्डन ग्रो फॉर आइडेंटिफिकेशन पर्पज। द फेमस बोटनिकल गार्डन आर एट क्यू, इंग्लैंड में है ये प्लेस, वहां पे बोटनिकल गार्डन। और इंडिया की बात करें तो इंडियन बोटनिकल गार्डन हावड़ा के अंदर है, कलकत्ता में इंडिया में, और नेशनल बोटनिकल गार्डन जो है वो कहाँ है, लखनऊ में। तो इसी प्रकार अगर अपन जूलॉजी की बात करें, जूलॉजिकल पार्क की, तो दीज आर अ प्लेस वेयर वाइल्ड एनिमल आर केप्ट इन अ प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट अंडर ह्यूमन केयर एंड विच आर इनेबल अस टू लर्न अबाउट दी देयर फूड हैबिटेट्स एंड बिहेवियर। ऑल एनिमल्स इन द जू आर प्रोवाइडेड एज फार एज पॉसिबल द कंडीशन सिमिलर टू देयर नेचुरल हैबिटेट और नेचुरल इन्वायरमेंट। चिल्ड्रंस आर लव टू विजिटिंग दीज पार्क कॉमनली कॉल्ड जूज। ठीक है, उसके बाद में है म्यूजियम, थर्ड वन। वैसे फर्स्ट सेकेंड ये फोर्थ अपन ने कर लिया, थर्ड क्या है, म्यूजियम। तो बायोलॉजिकल म्यूजियम आर जनरली सेटअप इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, अपने लैब में भी म्यूजियम है, आप यूं समझ सकते हैं। यहां क्या करते हैं, जो स्पेसिमेंस होते हैं उन स्पेसिमेंस को जो अपन रखते हैं उसको अपन क्या कहते हैं, म्यूजियम। तो मान लीजिए जो स्मॉल एनिमल्स है, जैसे एक आपको एग्जाम्पल बताऊं कि राजा महाराजा के टाइम में क्या करते थे, जो वो शिकार करते थे शेर और हिरण वगैरह का, तो उसमें चर्बी वगैरह भर के और दीवार के ऊपर टंगा देते थे, या अपने पास में खड़ा कर लेते थे कहीं बैठने की जगह पे, तो यूं लगता था कि ये रियल लोइन है। तो उसको देख के आसानी से हम उस पर्टिकुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी कर लेते हैं। तो यहाँ लेबोरेटरी के अंतर्गत क्या रहता है कि एक वर्ड आपको याद रखना है, FAA मीन्स फॉर्मेलिक एसिटिक एसिड। ठीक है, फॉर्मेलिक एसिटिक एसिड, इसके अंदर कोई भी जो स्मॉल एनिमल्स होते हैं उन स्मॉल एनिमल्स एनिमल्स को मार के और उनके अंदर इस FAA सॉल्यूशन के अंदर उसको प्रिजर्व रखा जाता है और उसको एयर टाइट कर दिया जाता है, और वो क्या कहलाता है, स्पेसिमेन। जिससे स्टूडेंट्स को पता लग जाए कि ये कौन सा एनिमल है कौन सा एनिमल नहीं है, या प्लांट्स के भी स्पेसिमेन आजकल रखे जाते हैं। तो स्पेसिमेंस आर प्रिजर्व्ड इन कंटेनर्स और जार, कंटेनर और जार इन प्रिजर्विंग सॉल्यूशन, और प्रिजर्विंग सॉल्यूशन के अपने पास FAA। इंसेक्ट्स आर प्रिजर्व्ड इन बॉक्सेस कलेक्टिंग किलिंग एंड पिनिंग। लार्जर एनिमल्स एंड बर्ड्स मेमल्स आर यूजली स्टफर्ड एंड प्रिजर्व्ड। सो म्यूजियम हैव द कलेक्शन ऑफ स्केलेटन ऑफ एनिमल आल्सो। जैसे अगर आप लोग किसी इंस्टीट्यूट में जाओ तो डायनासोर का स्केलेटन लगा रखा है, तो वो भी क्या है, एक टाइप का म्यूजियम। ठीक है, लास्ट अपना की ये इतने टेक्सोनोमिक एड्स है जो क्या करते हैं, हमारी हेल्प करते हैं। की क्या होता है, कुंजी, हिंदी में कहते हैं कुंजी, और इंग्लिश में अगर आप देखो की का मतलब होता है चाबी। जैसे किसी ताले को खोलने के लिए एक पर्टिकुलर की नेसेसिटी होती है, वैसे यहां की है वो क्या है, कुछ क्वेश्चंस जो है उनका ग्रुप है, उन क्वेश्चंस के ग्रुप को अपन क्या कहते हैं की, और उन क्वेश्चंस के आंसर जो है वो अपने को यस और नो में देने हैं। ठीक है, और यस और नो के अकॉर्डिंग फिर अपन अगले स्टेप के ऊपर बढ़ते जाते हैं। जैसे अभी तक आप लोगों ने स्टार्ट किया है पढ़ना, तो मैं आपको बता दूं कि प्लांट्स जो है वो टू टाइप्स के होते हैं, एक फ्लावरिंग और एक नॉन फ्लावरिंग। ठीक है, तो और एनिमल्स भी टू टाइप्स के होते हैं, एक हुए जिनमें बैकबोन या नॉर्मल लैंग्वेज में अपन कहें रीढ़ की हड्डी प्रेजेंट होती है या नहीं होती है। ठीक है, तो उस टाइप के दो प्रकार के, जिनमें प्रेजेंट होती है उनको कोर्डेटा और नहीं प्रेजेंट होती है उनको नॉन कोर्डेटा। तो जैसे मान लीजिए अपन ने कोई भी एनिमल देखा, एनिमल देखने के बाद में क्या हुआ कि सबसे पहला क्वेश्चन जो की है, ठीक है, आंसर किसमें आने, यस और नो में। तो सबसे पहला अपन क्वेश्चन करते हैं कि इफ बैकबोन इज प्रेजेंट, क्या रीढ़ की हड्डी उपस्थित है, यस देन दे आर कॉल्ड
कोर डेटा, नो देन दे आर कॉल्ड नॉन कोर डेटा। जैसे अपन बात कर ले एक पर्टिकुलर एनिमल की, तो उससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा आइडेंटिफिकेशन के लिए। जैसे अपने ये आजकल ब्रीडिंग सीजन है, ठीक है, हनी बी का, या जो अपने घरेलू मक्खी होती है उसका मान लीजिए, ठीक है। अब अपन ने मक्खी देखी, अब इसमें बैकबोन प्रेजेंट है या नहीं है, ठीक है, तो नहीं है, क्या हो गया, नॉन कोर डेटा। अगर मान लो कोई एनिमल है, जैसे अपन बात कर ले काऊ, तो काऊ में फर्स्ट क्वेश्चन, बैकबोन इज प्रेजेंट, यस, देन दे आर कोर डेटा। अब कोर डेटा को फाइव पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले पीसीज, तो पीसीज मींस दे कैन लिव इन वाटर, नो, देन वी कम टू नेक्स्ट, दे आर रेप्टाइल, क्या वो रेंग कर चलते हैं, नो, क्या उनमें स्तन प्रेजेंट है, यस, देन दे आर मेमल्स। तो इस प्रकार से पर्टिकुलर कुछ क्वेश्चंस का ग्रुप होता है, उस क्वेश्चंस के ग्रुप के अकॉर्डिंग उनके आंसर यस और नो में देके हम अगले पार्ट पे बढ़ते जाते हैं, और उनसे विभिन्न ऑर्गेनिज्म का क्या करते हैं, अपन क्लासिफिकेशन करते हैं या उनकी आइडेंटिफिकेशन करते हैं। मान लीजिए कोई एनिमल अपन ने देखा, तो सबसे पहले वो कोर्डेटा है या नॉन कोर्डेटा, तो अगर बैकबोन प्रेजेंट है तो कोर्डेटा, नहीं है तो नॉन कोर्डेटा। तो ये सारे जो है हर्बेरियम, बोटनिकल गार्डन, म्यूजियम, जूलॉजिकल पार्क और की, ये हमारी क्या करते हैं, हेल्प करते हैं किसमें, टू आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन, एंड दैट इज कॉल्ड टैक्सोनॉमी। आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर टुडेज क्लास। कल अपन नया टॉपिक डिस्कस करेंगे।